अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां कनाड़िया पुलिस ने बीजेपी नेता की शिकायत पर एनजीओ संचालक पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। 2 दिन की रिमांड पर एनजीओ संचालक ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने कबूला है कि लोगों को वेबसाइट पर एनजीओ की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसने प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर वेबसाइट के फ्रंट पेज पर लगा दी थी। इसके जरिए उसने गलत तरीके से प्रॉफिट भी कमाया। भाजपा विधिक प्रकोष्ठ ने निमेश पाठक निवासी कल्याण सनपद गार्डन इंदौर की शिकायत पर एनजीओ संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया। शिकायत पर एनजीओ संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था। एसआई बलराम सिंह रघुवंशी ने बताया कि एक एनजीओ की वेबसाइट पर बिना अनुमति के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की तस्वीर लगाने की शिकायत मिली थी। इस एनजीओ मेसर सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स बोर्ड का झबुआ टावर में ऑफिस है। शिकायत के बाद एनजीओ के संचालक आशीष शर्मा को गिरफ्तार किया। उसे सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि आशीष ने बगैर अनुमति तस्वीर अपलोड की थी, जिसके बाद उसकी संस्था को लेकर जानकारी निकाली गई। संस्था का पंजीयन सही निकला, लेकिन उसके लिए बनाई गई वेबसाइट पर फोटो गलत तरीके से लगाया गया, जिसकी मदद से अवैध तरीके से प्रॉफिट कमाने की बात सामने आई। आशीष से पूछताछ में पता चला कि उक्त एनजीओ की नींव उन्होंने 2018 में रखी थी, जिसमें उसका भाई मयंक भी साथ था। उस समय बीडी शर्मा खजुराहो में सांसद थे, उनसे नॉर्मल बातचीत थी। इस दौरान परिचय होने के बाद ही वेबसाइट बनवाने के दौरान उन्होंने फोटो अपलोड करवा दी। इस एनजीओ के माध्यम से सरकारी प्रोजेक्ट के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। पुलिस ने इस मामले में आशीष से पूछताछ की। उसने अपने भाई मयंक को इस बारे में जानकारी होने की बात कही। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मयंक अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं।